नमस्कार, ओम शांति। आपके साथ मैं शिवांगी। पीस न्यूज बुलेटिन में देखिए, आज मुंबई में तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन का ग्रैंड फिनाले। फिल्म निर्देशक और निर्माता अनुराग बासु समेत कई बॉलीवुड हस्तियां हुई शामिल। आबू रोड के रेडियो मधुबन 90.4 FM का आयोजन। माउंट आबू के ग्लोबल अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर का करिश्मा, भालू के हमले से घायल को दी नई जिंदगी। डॉक्टर अनिल भंसाली बने देवदूत। लखनऊ के आत्मचिंतन भवन में चिकित्सकों के लिए हीलिंग द हीलर्स विषय पर सेमिनार। ब्रह्मा कुमारीज एवं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का संयुक्त प्रयास। राजस्थान के भरतपुर में गुणवती कुंदन लाल पालीवाल जैन पुण्यार्थ प्रन्यास के द्वारा 11वां गौरव पुरस्कार सम्मान समारोह। ब्रह्मा कुमारीज को विशेष आमंत्रण। नेपाल के बुटवल में नववर्ष के उपलक्ष्य में स्नेह मिलन। 5वें संघीय राज्य के मुख्यमंत्री शंकर पोखरेल ने की शिरकत। संस्था के सेवाओं को सराहा। नारायणगढ़ में भी नववर्ष की धूम। बेंगलुरु के आर्म्ड पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में एक दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम। बीके बहनों ने सिखाई तनाव मुक्त रहने की युक्तियां। और लेस्टर के हार्मनी हाउस में सत्यनारायण की सत्य कथा। बीके सुकांति ने कराया आध्यात्मिक रहस्यों से अवगत। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सपनों की नगरी मुंबई की खबर से। राजस्थान में आबू रोड का रेडियो मधुबन 90.4 FM युवाओं में छुपी कला को विकसित करने के लिए तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन को आयोजित करता है। इस बार यह प्रतियोगिता मुंबई में की गई थी, जिसका ग्रैंड फिनाले फिल्म निर्देशक और निर्माता अनुराग बासु, पार्श्व गायक दिलीप सेन, पार्श्व गायिका शिवानी कश्यप, दिलराज कौर, संगीतकार सुधाकर स्नेह, सीरियल आर्टिस्ट प्राची ठक्कर, अनस रसीद, बोरीवली सब जोन प्रभारी बीके दिव्य प्रभा, मलाड सेवा केंद्रों के प्रभारी बीके कुंती, रेडियो मधुबन के प्रमुख बीके यशवंत समेत कई गणमान्य लोगों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। पाश्चात्य संस्कृति की ओर लोगों के बढ़ रहे रुझान को देखते हुए और संगीत को निर्मल, मधुर और प्रेरणास्पद बनाना आज के समय की मांग है, जिसे जानते हुए रेडियो मधुबन 90.4 FM बच्चों की प्रतिभा व कौशल को निखारने का हर संभव प्रयास करता है। इसी क्रम में आयोजित ग्रैंड फिनाले में कलाकारों ने बड़े ही उत्साह के साथ हिस्सा लिया और एक से बढ़कर एक गीत गाकर ऑडियंस का दिल जीत लिया। कला के साथ साथ शिक्षा को भी बच्चे गंभीरता से ले, इस बात पर फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर अनुराग बासु ने सभी का ध्यान खिंचवाया। साथ ही अन्य जानी मानी हस्तियों ने संस्थान से जुड़ने पर हुए अनुभवों को सभी के साथ साझा किया व उनके इस प्रकार के प्रयासों की सराहना भी की। पढ़ाई जरूरी है आपके दिमाग के लिए, आपके ग्रोथ के लिए, आपके मस्तिष्क के लिए। लेकिन कई बार मैं जब जाता हूँ और जब डांस क्लासेस में जाता हूँ तो मुझे इस बात का बहुत दुख होता है कि मैं रियलिटी शो का जज हूँ और मैं इसको प्रमोट कर रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब जब भी मैं आता हूँ मैं यहाँ से कुछ सीख के जाता हूँ। जब जब भी आता हूँ, हमारी मुलाकात बहुत ही इत्तफाक से हुई द रिजॉर्ट में, हम शूटिंग कर रहे थे वहाँ पे अक्सर बीच पे, करेक्ट। तो तब से लेके आज तक ये रिश्ता बड़ा इसकी जो गांठ है ना, वो गहरी मजबूत होती जा रही है और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मैंने अम्मी को सिर्फ एक बार बोला कि अम्मी मैं वहाँ पे जा रहा हूँ जहाँ पे पिछली बार उस चीज़ के लिए गया था, तो अम्मी बोलती है, अम्मी ने सामने से बोला कि मैं खुद जाऊँगी साथ में तुम्हारे। और ओम शांति ओम, बगैर ओम शांति ओम के ना दिन होती ना रात होती, सुबह की यही होती, इसलिए एक मेरा गाना काफी चला था, ऐसी सुबह ना आए ना ऐसी शाम, जिस दिन सुबह पे मेरी आए ना शिव का नाम। गीत के साथ साथ डांस की भी बच्चों ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी। रेडियो वॉइस की ग्रैंड फिनाले की सीनियर कैटेगरी में ऋतुजा को फर्स्ट पोजीशन,
पूर्णिमा को सेकंड पोजीशन, वही जूनियर कैटेगरी में सूर्यदत्त को पहली पोजीशन मिली। इसके साथ ही बीके बहनों ने सभी प्रतिभागियों का हौसला बढ़ाया तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना की व उन्हें शुभकामनाएं भी दी। जैसे भगवान से मिलन के लिए साधना करते हैं, उसमें संगीत के सुर वो ईश्वर से हमारे मन को जोड़ने में बहुत बहुत मदद करते हैं। और जैसे कहा कि हम भी बचपन में भजन या कोई सॉन्ग गाते हैं, तो कहा औरों के लिए नहीं है, इस स्वयं के लिए है, स्वयं की खुशी के लिए, स्वयं की शांति के लिए, स्वयं के सेटिस्फेक्शन के लिए। और वो तब हो सकता है कि जब वो हम गाते हैं तो आवाज़ हर एक की स्वीच हो, ऐसा पॉसिबल नहीं होता, वो एक ईश्वर की देन होती है। बस सुर और लय को जोड़ना सिर्फ आ जाता है तो अपने आप धीरे धीरे, ये भी एक प्रकार की साधना है। जैसे एक साधना हम परमात्मा से करते हैं, इसी प्रकार भी संगीत भी एक साधना है। संगीत में और आगे बढ़ने के लिए अपने आत्मविश्वास और दृढ़ता को बनाए रखें। अंत में सभी अतिथियों और जजों को बीके दिव्य प्रभा और बीके कुंती ने निराकार परमपिता परमात्मा शिव के स्मृति चिन्ह को भेंट कर उनके अवतरण का संदेश दिया। एक कहावत है कि जिसकी रक्षा परमात्मा करता है उसे कोई भी मार नहीं सकता। यही कहावत चरितार्थ हुई है स्वरूपगंज के तारा राम भील के साथ। ग्लोबल हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर के डॉक्टर अनिल भंसाली देवदूत बन गए। तकरीबन 20 दिन पहले खेत में ताराराम भील के काम करते समय अचानक भालू ने हमला कर दिया, जिसमें भालू ने उनकी आंख नोच कर निकाल दी थी, जिसके कारण मस्तिष्क भी बाहर आ गया था, पूरे सर की चमड़ी भी उधड़ गई थी, जिससे हालत नाजुक हो गई थी। देखने वालों को यह यकीन ही नहीं था कि वह बचेगा, परंतु जैसे ही ट्रॉमा सेंटर में यह केस आया, डॉक्टर अनिल भंसाली ने प्रयास प्रारंभ कर दिया और 3 ऑपरेशन के बाद आखिरकार वे कामयाब हो गए, जिससे अब ताराराम भील बोल और सुन पा रहे हैं। ताराराम भील ने कहा कि यह चमत्कार हो गया, जिससे मेरी जिंदगी बच गई। वहीं ग्लोबल हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर के सर्जन डॉक्टर अनिल भंसाली ने कहा कि यह बहुत ही विलक्षण केस था, जिसमें बचने की उम्मीद नहीं थी, परंतु ईश्वर की दुआ और प्रयास ने रंग लाया और अब वह पूरी तरह ठीक है। अब उसे नई जिंदगी मिल गई है, जिससे परिवार और मैं पर्सनली बहुत प्रसन्न हूँ। इस तरह से आंख निकला हुआ केस मैंने पहली बार देखा है। इससे पहले ये रेयर केस होता है, पूरी पूरी आंख निकाल दी जाती है, आंख के साथ साथ में उसकी पीछे का जो ब्रेन है वो भी उसने निकाल दिया था। तो इसलिए आते होंगे केसेस, मेरी नज़र में आंख निकालने वाला केस पहली बार आया, क्योंकि ये भी बोल रहा है, रोजाना खाना खा रहा है, चल रहा है, फिर रहा है, बहुत ठीक हो गया, क्योंकि इसके 3 ऑपरेशन ऑलरेडी हो चुके हैं। अब हमें ये बिल्कुल हमें ठीक लग रहा है, हम इसको घर भेजने की कोशिश कर रहे हैं। नवाबों के शहर लखनऊ में ब्रह्मा कुमारीज एवं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के संयुक्त प्रयास से डॉक्टर्स के लिए हीलिंग द हीलर्स विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर रजनीश दुबे, दिल्ली के जेबी पंत हॉस्पिटल सह कार्डियोलॉजी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मोहित गुप्ता, डॉक्टर मनोज श्रीवास्तव, डॉक्टर रमाकांत एवं गोमती नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके राधा समेत अनेक डॉक्टर्स शामिल थे। आत्मचिंतन भवन में हुए इस कार्यक्रम में डॉक्टर रजनीश दुबे ने चिकित्सा के क्षेत्र में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है इसके बारे में चर्चा की, और डॉक्टर मोहित गुप्ता ने डॉक्टर्स और हीलर में अंतर बताते हुए कहा कि एक डॉक्टर को अच्छा हीलर होना चाहिए, उसे इरिटेट नहीं होना चाहिए और न ही किसी से गलत व्यवहार करना चाहिए। ये मैं समझता हूं कि त्रिशूल अगर हम लोग घर और दर्पण में कामयाब हो गए तो निसंदेह हमारी जीवन यात्रा सरल हो जाएगी। यहाँ चिकित्सक बैठे हैं, शरीर में उनका ज़्यादा ऑर्डर है, बड़ा सिंपल सा मॉलिक्यूल है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, ट्रांसपेरेंट होता है, तरल होता है, उसके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता, लेकिन फिर हम लोग कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड्स अपने जीवन में पैदा कर लेते हैं। और बैक टू सिंप्लिसिटी जाने वाली जो बात आपने कही, मुझे लगता है इसे हम लोगों को अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। कठिन नहीं है, ऐसा महसूस हो रहा है,
ये चीज़ें हैं जो हमको अपने जीवन यात्रा में अपने साथ लेकर चलना चाहिए। कैन हीलर बी एपेथेटिक? यस और नो? तो हीलर इरिटेट भी नहीं हो सकता, हीलर गुस्सा भी नहीं कर सकता, हीलर दूसरे के लिए एपेथेटिक एटीट्यूड भी नहीं कर सकता। कैन डॉक्टर बी एंग्री? यस, डॉक्टर कैन बी एंग्री एंड हीलर कैन नॉट बी एंग्री। डॉक्टर कैन बी इरिटेटेड? यस, डॉक्टर कैन बी। इस कार्यक्रम में डॉक्टर मनोज श्रीवास्तव व अन्य डॉक्टर्स ने भी अपने विचार व्यक्त किए और स्वयं का हीलर स्वयं ही बनने की बात कही। कार्यक्रम के अंत में बीके राधा ने ईश्वरी सौगात भेंट कर संस्थान के मुख्यालय माउंट आबू आने के लिए आमंत्रित किया। राजस्थान के भरतपुर में गुणवती कुंदन लाल पालीवाल जैन पुण्यार्थ प्रन्यास द्वारा आयोजित 11वें गौरव पुरस्कार सम्मान समारोह में बीके कविता को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया था। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि आज के आधुनिकता के दौर में युवाओं को कुछ समय निकालकर आध्यात्मिक ज्ञान का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि अध्ययन के बल से ही युवा सर्वगुण संपन्न बनेगा। आज के सुंदर कार्यक्रम की सुंदरता को चार चांद लगाने के लिए ऐसी इच्छा शक्ति लेकर जाए, ऐसा दृढ़ संकल्प लेकर जाए कि आप अपनी पुरातन संस्कृति के प्रहरी बने। आप चिकित्सा जगत के अंदर उस आयुर्वेद के छोटे छोटे नुस्खों को अपने जीवन से जोड़े, ताकि आप 80% उपचार भी स्वयं कर सके। इस सम्मान समारोह में गुणवती कुंदन लाल पालीवाल जैन पुण्यार्थ प्रन्यास समिति के अध्यक्ष अमर सिंह, श्री लालजी महाराज शक्तिपीठ खोरी के पीठाधीश्वर स्वामी डॉक्टर कौशल किशोर महाराज, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शोभा भारद्वाज भी मुख्य रूप से मौजूद थे। इसके पश्चात 11वां गौरव पुरस्कार राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय में BAMS के टॉपर डॉक्टर आकांक्षा शर्मा, LLM के टॉपर शिखा पुरोहित, विशेष सामाजिक सरोकारों के लिए जुगल किशोर सैनिक को सम्मानित किया गया। नेपाल के बुटवल में ग्लोबल पीस रिट्रीट सेंटर के द्वारा नेपाल के नववर्ष के उपलक्ष्य में स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 5वें संघीय राज्य के मुख्यमंत्री शंकर पोखरेल, कृषि भूमि प्रबंधन मंत्री आरती पौडेल, विधानसभा सदस्य सुनीता शाक्य, GPRC के निदेशक बीके कमला, वरिष्ठ राज्य प्रशिक्षक बीके नारायण समेत शहर के कई विशिष्ट लोग उपस्थित थे, जिनके स्वागत में कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। उद्घाटन के पश्चात शंकर पोखरेल और बीके कमला ने इस खुशी के अवसर पर शुभकामनाएं व्यक्त की। अंत में बीके नारायण ने अतिथियों को GPRC का अवलोकन कराया, जिसे देखकर अतिथि काफी प्रभावित हुए। वहीं नेपाल के नारायणगढ़ में नववर्ष विक्रम संवत 2075 के शुभारंभ अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जो कि सांसद विजय सुवेदी, वन तथा कृषि विश्वविद्यालय के सहायक डीन भूमि नंदन देवकोटा, पतंजलि योग के जिला मुख्य संयोजक उमा शंकर अग्रवाल, कैंसर हॉस्पिटल के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सिंह, वरिष्ठ समाज सेवी KL भूषण, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके लक्ष्मी एवं अन्य बीके सदस्यों समेत नगर के गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस खुशी के मौके पर विजय सुवेदी ने कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि इस संस्थान द्वारा किए जाने वाले कार्यक्रमों से कोई ना कोई प्रेरणा अवश्य मिलती है। आज मुझे सभी लोगों के प्रति शुभकामना रखने की प्रेरणा मिली है। इस दौरान अन्य अतिथियों ने भी अपने मनोभाव व्यक्त किए। इस उपलक्ष्य में बीके लक्ष्मी ने नए वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमें स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करना है। जब इस भावना से सेवा करेंगे, तभी हमें विश्व कल्याण के कार्य में सफलता मिलेगी।
इस मौके पर एक लघु नाटिका द्वारा स्वचिंतन से स्व उन्नति करने का संदेश दिया गया, जो सभी के लिए मनोरंजन का केंद्र रहा। बेंगलुरु स्थित आर्म्ड पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में येलहंका न्यू टाउन सेवा केंद्र के द्वारा एक दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन हुआ। इस ट्रेनिंग में बीके पार्था, बीके ज्योति, बीके पवित्रा, न्यू टाउन सेवा केंद्र प्रभारी बीके विजयलक्ष्मी ने रूटीन लाइफ में तनाव मुक्त रहना, सकारात्मक चिंतन विषय पर विस्तार से चर्चा की और ब्रह्म कुमारी संस्था का परिचय भी दिया। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के आर्म्ड पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के डायरेक्टर ने सराहना की और भविष्य में भी इस तरह के ट्रेनिंग्स के लिए आमंत्रित किया। मुंबई के वसई में लोकोमोटिव पायलट्स के लिए भी तनाव प्रबंधन विषय पर कार्यशाला आयोजित हुई। वसई सेवा केंद्र प्रभारी बीके सारिका ने तनाव प्रबंधन पर लेक्चर और राजयोग मेडिटेशन के विस्तार से जानकारी देते हुए इसका रोजाना अभ्यास करने की सलाह दी। इस दौरान इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर दिनेश जैन समेत कई लोको पायलट्स मौजूद थे। मध्य प्रदेश में झाबुआ के गेल इंडिया लिमिटेड कार्यालय में आंतरिक खुशियां विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली में लोधी रोड सेवा केंद्र के प्रभारी बीके गिरिजा ने कहा कि हमारे अंदर बहुत शक्ति है, उसके आधार पर हम कोई भी काम कर सकते हैं, लेकिन हमारी अधिकांश शक्ति निगेटिव सोचने में ही चली जाती है, इसलिए हमें चाहिए कि हम राज्यों का अभ्यास कर स्वयं को शक्तिशाली बनाएं। तनाव प्रबंधन विशेषज्ञ बीके पीयूष ने घर को मंदिर बनाने की बात कही। अगर मुझे अपने घर को मंदिर बनाना है तो उसकी विधि क्या है? मंदिर बनाने की विधि क्या है? देखो, घर के दीवारें बहुत अच्छी है, हाँ जी या ना जी? घर की दीवारें अच्छी बहुत अच्छी है और मंदिर के वाइब्रेशंस बहुत अच्छे हैं। तो कल सवेरे हम क्या करें? कल सवेरे उठ के हम अपने घर को ही मंदिर बनाते। शक्ति है, माना शिव से शक्ति ली हुई है। शक्तियों को क्या कहते हैं? शिव शक्तियां, डायरेक्ट भगवान की शक्तियां हैं। तो हम अपने आप को कमजोर समझते हैं, क्या कहेंगे पहले, क्या करें, मेरे से होता नहीं है, बड़ा मैं डिस्टर्ब रहती हूँ, बड़ा ये होता है वो होता है। अरे भाई, कहाँ से, हम बहुत शक्तिशाली हैं। इसका मतलब हमारे में शक्ति बहुत है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं बहने। हम बहने बहुत कर सकती है, नारी बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन वो शक्ति कहाँ जा रही है? सारी किस सोच सोच के नेगेटिव। दो दिन तक चली इस कार्यशाला में महाप्रबंधक राम राय टूडू एवं स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके जयंती ने भी अपने विचार व्यक्त किए और राज्यों का अभ्यास कराया गया, जिसमें उपस्थित कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने शांति की अनुभूति की और अपने अनुभवों को सभी के साथ साझा किया। आज हर व्यक्ति को गीता ज्ञान का अध्ययन करने की आवश्यकता है, क्योंकि इसी में ही व्यक्तिगत, सामाजिक व वैश्विक समस्याओं का समाधान समाया हुआ है। गीता ज्ञान के इसी महत्व को ध्यान में रखते हुए नेपाल के पोखरा में सफल जीवन का आधार गीता ज्ञान विषय पर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ नेपाल संविधान सभा के मेंबर, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके परिणीता, कुंघार सेवा केंद्र प्रभारी बीके अप्सरा समेत सेवा केंद्र से जुड़े अनेक लोग मौजूद थे। 5 दिवसीय सम्मेलन में पृथ्वी सुब्बा गुरु ने अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि गीता में दिया गया आध्यात्मिक ज्ञान तनाव मुक्त जीवन जीने में मदद करता है। इस कार्यक्रम में बीके अप्सरा ने परमात्मा शिव द्वारा दिए जा रहे जीवन ज्ञान एवं राजयोग के महत्व से सभी लोगों को अवगत कराया व इसके नियमित अभ्यास द्वारा जीवन को श्रेष्ठ बनाने का आह्वान किया। अंत में बीके बहनों ने अतिथियों को ईश्वरी सौगात भेंट की और राजयोग सीखने के लिए सेवा केंद्र पर आने का निमंत्रण दिया। हरियाणा में कादमा के झुझु कला में ब्रह्मा कुमारी स्थानीय सेवा केंद्र एवं ग्रामीण विकास मंडल के संयुक्त तत्वाधान में बेटी बचाओ सशक्त बनाओ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें संस्थान के मुख्यालय से आई ज्ञानमृत पत्रिका की सह संपादिका बीके उर्मिला ने कहा कि समाज का भविष्य महिलाओं के सम्मान से जुड़ा है, जो केवल आध्यात्मिकता और मूल्यों की धारणा से ही प्राप्त हो सकता है। वहीं महिला थाना प्रभारी मनीषा ने संस्थान के कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रमों में महिलाओं के अंदर आत्मविश्वास एवं हिम्मत का विकास होता है।
इस कार्यक्रम में ग्रामीण विकास मंडल के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार, सरपंच दलबीर सिंह गांधी, समाज सेवी श्यामलाल गर्ग ने भी अपने विचार व्यक्त किए और अंत में बीके उर्मिला एवं सेवा केंद्र प्रभारी बीके वसुधा ने उन्हें ईश्वरीय सौगात भेंट की। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के सुख सेवा संस्थान नशा मुक्ति केंद्र में तनाव मुक्ति से व्यसन मुक्ति विषय पर माउंट आबू से वरिष्ठ राज्य प्रशिक्षक बी के भगवान ने कहा कि 70% लोग व्यसन का सेवन तनाव से मुक्त रहने के लिए करते हैं और व्यसनी हो जाते हैं, उसके बाद भी तनाव से मुक्ति नहीं मिलती और मिलेगी भी कैसे, क्योंकि तनाव का कारण है नकारात्मक चिंतन जो सिर्फ जाएगा राज्यों के अभ्यास से। इस दौरान कार्यशाला में मौजूद केंद्र के संचालक पवन पारिक ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए इसे उपयोगी बताया। इसी क्रम में चित्तौड़गढ़ के बासी गांव स्थित लक्ष्य सेंट्रल एकेडमी उच्च माध्यमिक विद्यालय में सकारात्मक विचारों के द्वारा नैतिक मूल्य विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें बीके भगवान ने नैतिक मूल्यों के बिना शिक्षा को अधूरी बताया। समाज में जाने से पूर्व इस भौतिक शिक्षा के साथ साथ गुण सीखना जरूरी है, क्योंकि गुणों से ही व्यक्तित्व में निखार आता है, संस्कार में बदलाव आता है। अच्छे बच्चे बनने के लिए, भविष्य के अच्छे नागरिक बनने के लिए वर्तमान स्टूडेंट लाइफ में गुणों की जरूरत है। इस कार्यशाला के दौरान सह प्रिंसिपल अंकित दीक्षित, व्याख्याता देवीलाल, स्थानीय सेवा केंद्र से बीके वर्षा भी मौजूद थी और उन्होंने अपने विचार भी व्यक्त किए। आइए अब डाल दें कुछ खबरों पर एक नजर। बिहार में मधेपुरा के राजकीय नगर पालिका विद्यालय में नैतिक शिक्षा का महत्व विषय पर कार्यशाला माउंट आबू से वरिष्ठ राज्य प्रशिक्षक बीके भगवान ने बच्चों का मार्गदर्शन करते हुए कहा कि भौतिक शिक्षा के साथ साथ मीठा बोलना, सत्य बोलना, भाईचारा रखना, इन गुणों को सीखना जरूरी है, क्योंकि आज के बच्चे कल का समाज है। वही स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके वंदना ने राजयोग सीख कर अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने पर दिया जोर। पंजाब के पठानकोट में स्नेह मिलन का आयोजन रोटरी क्लब के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर ब्रजभूषण शर्मा, बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रवि शर्मा एवं स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके सत्या समेत कई लोग उपस्थित। डॉक्टर रवि शर्मा ने कार्यक्रम में अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि मानव जीवन का संपूर्ण सुख लेने के लिए हमें तन और मन को स्वस्थ रखना बेहद जरूरी है। वहीं बीके सत्या ने कहा कि आज जो अधिकांश बीमारियां हो रही हैं, उनका कारण है मन में चल रहे नकारात्मक विचार। इसके साथ ही अतिथियों को भेंट की ईश्वरीय सौगात। मध्य प्रदेश के सारंगपुर में साई सेवा समिति के द्वारा आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके भाग्य लक्ष्मी ने साई बाबा के गुणों की महिमा करते हुए कहा कि जब साई बाबा साकार में थे तो उन्होंने कहा था कि सारे संसार को रचने वाला एक मालिक है, जिसे याद करने पर ही हम पापों से मुक्त हो सकते हैं। वहीं बीके नीरज ने भी अपने विचारों को किया साझा। अंत में बीके भाग्य लक्ष्मी ने समिति के पदाधिकारियों को ईश्वरीय सौगात भेंट की और संस्थान के मुख्यालय माउंट आबू आने का दिया निमंत्रण। गुजरात के वापी में ब्रह्मा कुमारीज एवं वापी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के संयुक्त प्रयास से स्वस्थ जीवन की संजीवनी विषय पर सेमिनार का आयोजन मुंबई से मोटिवेशनल ट्रेनर बीके ईवी गिरीश ने सदा तन और मन से स्वस्थ रहने की बताई विधियां। कार्यक्रम में सोशल विंग के मेंबर बीके विजय, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके रश्मि मुख्य रूप से रही उपस्थित। मध्य प्रदेश के छतरपुर सेवा केंद्र में 3 दिवसीय मधुर मधुमेह कैंप का समापन माउंट आबू से डायबिटीज विशेषज्ञ बीके डॉक्टर वत्सलन नायर, सीजीएम दिनेश कुमार शर्मा, वरिष्ठ समाज सेवी विवेक उपल, सेवा केंद्र प्रभारी बीके शैलजा की उपस्थिति में हुआ संपन्न। इस शिविर में बीके डॉक्टर वत्सलन नायर ने डायबिटीज के कारण, लक्षण एवं उसके नियंत्रण तथा उपचार के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी और लोगों को स्वस्थ रहने के प्रति किया जागरूक। बंगाली नववर्ष पर झारखंड में धनबाद के चिरकुंडा सेवा केंद्र के द्वारा आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी का आयोजन, 12 ज्योतिर्लिंग की भी सजाई सुंदर प्रतिमा, बड़ी संख्या में लोगों ने किया अवलोकन। सेवा केंद्र प्रभारी बीके अर्चना समेत अन्य सदस्यों ने दिया आत्मा परमात्मा और सृष्टि चक्र का ज्ञान। अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत की।
सत्यनारायण की कथा करने से व्यक्ति के मन में शांति आ जाती है, जीवन में सुख समृद्धि आ जाती है और बंधन युक्त व्यक्ति बंधन मुक्त हो जाता है। सत्यनारायण की सत्य कथा का महत्व बताने के लिए लेस्टर के हार्मनी हाउस में सत्यनारायण की कथा का आयोजन किया गया। इसमें सीनियर राजयोग टीचर बी के सुकांती ने लोगों को कथा के वास्तविक अर्थ से रूबरू कराया। हम तीर्थ स्थान या आश्रम उसको कहेंगे जहाँ सात गुणों का वास होता है, तभी हम उसको आश्रम, जहाँ हमारे तन को भी मन को भी बुद्धि को भी सभी को शांति मिले हमें वहां पर। दूसरा तीर्थ स्थान उसे कहा जाएगा जहां पर ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान मिलता है। किस चीज का ज्ञान? व्यवहार और परमार्थ का कैसे हम बैलेंस कर सके। अंत में बिकेंदु और बीके सुकांति ने आरती की और लोगों को प्रसाद भी वितरित किए। आज की खबरों में बस इतना ही, और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक लिए पीस न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।